जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन के बेटे के कहने से। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व को लेकर के चले थे उनके बेटे उनके साथ में। देश का ये दुर्भाग्य है, राजनीतिक इस स्तर पर गिरेगी ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरह से पूरे देशों की शख्सियत आई और यहाँ भारत की तारीफ करके गई माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की। राजनीति में विचारों का विरोध होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को लेकर के विरोध करना, ये बंबई की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी पर अटैक करते रहे। मौत का सौदागर कहा गया, जहर की पुड़िया कहा गया, गुजरात के चुनाव में उनके पिता को नहीं छोड़ा गया, माँ को नहीं छोड़ा गया, अब मोदी जी पर वार करके नहीं पार पा रहे, तो अब सनातन संस्कृति को कुचलने की बात कर रहे हैं डेंगू मलेरिया कोरोना जैसी उपाधि से। और यहाँ के शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस का खंडन करने का मतलब तुम गरीब का खंडन कर रहे हो। और मैं उस समाज से ताल्लुकात रखती हूँ जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहे हो पुर आवत जाता। मैं यहाँ के उन निषाद बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें। राम जितना सम्मान देने वाला व्यक्ति, सनातन धर्म एक संस्कृति है, एक विधा है, ये सनातन धर्म कोई कपूर नहीं है। इंडिया के लोगों के कहने से दुर्भाग्य है, क्यों क्यों नहीं बोलेंगे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा बोल रहे हैं, तमिलनाडु में जिस तरह से हो रहा है वो तो बोलते ही रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व को लेकर के चले थे उनके बेटे उनके साथ में खड़े हैं। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। राहुल कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषदें पढ़ी हैं। यदि गीता पढ़ी होती तो सबसे पहला श्लोक गीता का कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समय बेतायु सा माम का पांडवा चाहिए वो किम करो तो संजय। शुरुआत वहीं से शुरू होती कि धर्म, और हमारा सैनिक यदि सीमा पर जाता है तो गीता की कसम खा करके जाता है कि मैं देश की सेवा करूंगा। ये दुर्भाग्य है। मैं हिंदू समाज को चेतावनी देती हूं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने सबका काम किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, देश का एक गौरव बढ़ाया। अब उससे पार नहीं पा रहे तो सनातन संस्कृति पर जिस तरह कुठाराघात कर रहे हैं, तो मैं तो एक बात कहा करती हूँ, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश जैसे रावण के मिटाने से नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन के बेटे के कहने से। थैंक यू। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।